नमस्कार, निशा राठौर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटनी पनीर विद बनाना लीफ। आपने पनीर की कई सारी रेसिपी खाई होंगी, लेकिन जब ये चटनी पनीर विद बनाना लीफ आप बनाकर एक बार खाएंगे तो सारे टेस्ट भूल जाएंगे पनीर की। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम पनीर, एक हरी मिर्च, एक प्याज, 5 से 6 कलियाँ लहसुन, एक नींबू और फ्रेश हरा धनिया एक कटोरी। अब और हमें चाहिए बनाना लीव्स। इसे हमें साफ करके इस तरीके से काट लेना है। इसकी सबसे पहले चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो मिक्सी का जार ले लेते हैं। इसमें प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। हम लहसुन की कलियाँ भी इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे। इसका जो डंठल है वो हटा देते हैं। हरा धनिया भी काट के इसमें डाल देंगे। अब हम चटनी को एकदम से बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। तो चटनी हमारी बारीक पीस कर तैयार हो चुकी है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा खट्टा बनाने के लिए इसमें नींबू डाल देते हैं। इसे चटनी हमारी तीखी और चटपटी बनकर तैयार हो जाएगी। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी चटनी तो बनकर तैयार है। अब हम इसके पनीर के थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस काट कर तैयार करेंगे। इस तरीके से हमें इसको इतना मोटा काटना है। इस तरीके से हमें काटना है। हमें इस तरीके से स्लाइसेस काट कर तैयार करने हैं। अब हम बीच में इस तरीके से कट और लगा देते हैं। इसमें कट लगाएंगे इस तरीके से ताकि चटनी जो है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरीके से तो हमारे पनीर के स्लाइसेस तो कट के रेडी है। अब हम इसको इस तरीके से इस चटनी में कोट करेंगे। इस पे चारों तरफ हमें बहुत अच्छे से चटनी लगा लेनी है। और इसके जो हमने बीच में इसे इसमें कट लगाया था इस तरीके से अंदर भी थोड़ी चटनी डाल देंगे। और इसे पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से, फिर इसे इस तरीके से, इस तरीके से हमें एकदम से पैकेट से बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने सारे पैकेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको सेंक लेंगे। तो सबसे पहले हम गैस पे एक तवा रखेंगे। तो तवा हमारा इधर हल्का गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को चारों तरफ इस तरीके से फैला देते हैं। तो ऑयल भी हमारा हल्का गर्म हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है ताकि हमारे जो लीव्स हैं वो जले नहीं। तो इसे हल्के गर्म ऑयल में ही रखना है। इस तरीके से हमने जो पैकेट्स बनाए हैं रख देंगे इसमें। और गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि हमारा पनीर धीरे धीरे अंदर तक सिक कर तैयार हो जाए। तो हमारे चटनी पनीर विद बनाना लीव्स एक तरफ से सिक चुके हैं। अब हम इनको इस तरीके से दूसरी तरफ पलट देते हैं। इस तरीके से सारे हम पलट देंगे इसी तरीके से। इसके अंदर जो बनाना लीव्स का फ्लेवर आता है वो बहुत लाजवाब होता है। इससे पनीर बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो हम इसे दूसरी तरफ भी सेंक कर तैयार कर लेते हैं। तो हमारे चटनी पनीर विद बनाना लीव्स बनकर तैयार हो चुके हैं। दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं और इन्हें सेंकने में हम 15 मिनट लगे हैं। तो गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे बड़ी सावधानी से निकालना होता है क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है।
तो हमारे चटनी पनीर विद बनाना लिप्स बनकर तैयार हैं। आप इसे खाइए और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।